जीवन के सबसे सुंदर पल है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे बच्चों में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम लोगों ने कोशिश की, पिछले दिनों जो बच्चे हमारे अच्छे नंबर लेके पास किए उनका हमने अभिनंदन किया। कई तरह की योजनाएं उनके लिए बनाई, लेकिन फिर मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे वो बेटा बेटी जो अच्छे नंबर नहीं ला पाए, हमारे वो बेटा बेटी जो किसी भी कारण पास नहीं हो पाए, उनको छोड़ना नहीं है, बात उनसे भी करना है, चर्चा उनसे भी करनी है। अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें टैलेंट नहीं, क्षमता नहीं है, प्रतिभा नहीं है, योग्यता नहीं है। क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, एक बात गांठ बांध लो। भगवान ने किसी को कम बुद्धि नहीं दी, सबकी अकल बराबर। अभी अलग बात है कि एक बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम परीक्षा में उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाते या उतनी अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये छोड़िए कि हम बुद्धिमान नहीं है, परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाए। उन सबके लिए मैं बोल रहा हूं, मेरे बच्चों निराश मत होना, हताश मत होना। ये कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम 3 जुलाई से आज से प्रारंभ हो रहा है आपके निर्धारित स्कूल में। ये कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम किया जाएगा। जो एक्सपर्ट्स है वो आपको बताएंगे कि आपके सामने विकल्प क्या क्या है, आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हो, आप कौन कौन सा क्षेत्र चुन सकते हो, वो सारे विकल्प देंगे। तो वो लोन दिया जाएगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में। हम 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को देते हैं और उस लोन को वापस करने की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं देते, प्रदेश की सरकार लेती है।